हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट सेकंड ईयर अरुण कोलादकर की जो कविताएं हैं एन ओल्ड वुमन, दिवस, दीदी जयजूरी, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में केवल हम अरुण कोलादकर की लाइफ हिस्ट्री एंड हिज वर्क्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को शुरू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू दी पॉइंट। अरुण कोलादकर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। अरुण कोलादकर जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड वॉज बॉर्न इन 1932 और 1932 में उनका जन्म हुआ। ही इज ए बाइलिंगुअल पॉइट, वो द्विभाषी कवि हैं। वो राइट्स इन हिज मदर टंग मराठी एंड इन इंग्लिश, जो अपनी मातृभाषा मराठी में और अंग्रेजी में लिखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू मॉडर्न एंडो इंग्लैंड पोइट्स, वो आंग्ल भारतीय कवि जो आधुनिक मॉडर्न माने आधुनिक जो एंडो इंग्लैंड पोइट्स हैं उनमें से एक हैं। वो आर वाइलिंगुअल, जो द्विभाषी हैं, द्विभाषी जो दो भाषाओं पर अपना आधिपत्य रखते हैं, मराठी और ये इंग्लिश में, दोनों में रखते हैं। टिल 1990 से हिज स्मॉल पोइम्स रिमेन अनपब्लिश, उनकी जो कविताएं हैं वो अप्रकाशित रही इन दी फॉर्म ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स, कविताओं के संग्रह के रूप में। हाउएवर, यद्यपि हिज लॉन्ग पोइम, उनकी जो लंबी कविता जयजूरी है, वॉज पब्लिश इन 1976, 1976 में प्रकाशित हुई। इट इज ए पोइटिक सीक्वेंस, ये कविताओं का संग्रह है। एंड इट वन फॉर हिम, और इसने उसको जिताया द कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर पोइट्री, कविता का कॉमनवेल्थ इनाम। हिज स्मॉल पोइम्स आर पेंसिव, उनकी जो लघु कविताएं हैं वो उदासीनता लिए हुए हैं। एंड मोस्ट रियलिस्टिक इन नेचर, और अधिकतर स्वभाव में वास्तविकता लिए हुए हैं। हिज पोइम जयजूरी हैज बीन, उनकी जो ये लंबी कविता जयजूरी है, हैज बीन हाईली एक्लेम्ड बाई क्रिटिक्स, इसकी जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनके द्वारा इसकी बहुत अधिक क्या की गई है, एक्लेम की गई है, उसकी एक्लेम्ड का अर्थ होता है कि प्रसिद्धि करना, प्रशंसा करना। सम ऑफ कोलादकर्स एडमायर्स कीप इट एट पर विद टीएस इलियट्स, कोलादकर के कुछ जो प्रशंसक हैं इस कविता को रखते हैं किसके साथ, टीएस इलियट की जो वेस्टलैंड है उसके साथ। जयजूरी जे पिलग्रिम सेंटर, जयजूरी जो है वो एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है। टू द साउथ ईस्ट ऑफ पूना, पूना के दक्षिण पूर्व में, नाउ पुणे। एंड खंडोबा इज द डाइटी वर्शिप देयर, और वहाँ पर जो खंडोबा जो देवी है उसकी पूजा की जाती है। चैतन्य विजिटेड दिस प्लेस, चैतन्य महाप्रभु ने भी इस स्थान का, इस स्थान की यात्रा की, अर्थात जयजूरी की यात्रा की। इन अर्ली 16th century, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कोलादकर डिस्क्राइब हिज विजिट, कोलादकर जो है वर्णन करता है अपनी यात्रा का टू जयजूरी, जयजूरी के लिए जो जयजूरी की यात्रा पर गया था उसके बारे में वर्णन करता है। और वो बताता है रीचिंग इट बाई बस, कि वो वहाँ पर किसके द्वारा गया, बस के द्वारा गया। एंड रिटर्निंग, और लौटा किससे, बाई ट्रेन, ट्रेन से। ड्यूरिंग द इंटरवेल कोलादकर गोज राउंड, और अपने अंतराल के दौरान, इंटरवेल मैंने जब भी उसको समय मिला वहाँ पर, कोलादकर गोज राउंड, वो चारों तरफ घूमा, सीज गॉड्स, देवी देवताओं को देखा, प्रिस्ट पुजारियों को देखा, मैन लोगों को देखा, एनिमल जानवरों को देखा, एंड रोडेंट्स और चूहों को देखा। दी पोएम जयजूरी इज ए वेरी फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ हिज इम्प्रेशंस, और जो ये कविता जयजूरी है जो उस पर प्रभाव पड़ा, हिज इम्प्रेशंस, उसका प्रभाव, उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है इस कविता में, जयजूरी में। देर आर 38 लिरिक्स, ये जो जयजूरी जो कविता है इसमें 38
लिरिक्स हैं, बट द पोइट्स इज एन अनइजी, लेकिन कवि जो है इन सभी 38 लिरिक्स में वो कैसा दिखाई देता है, बेचैन दिखाई देता है, न्यूट्रल दिखाई देता है और राइसेंस अर्थात बड़ा ही उदासीन दुखी दिखाई देता है। एवरी अदर स्टोन इज गॉड और हिज कजन, और वो खुद भी कहता है कि जेजुरी में जो पत्थर है, हर जो पत्थर है वो क्या है, देवता है या उसका भतीजा है। दी टेम्पल्स आर इन ड्यून्स, जो मंदिर हैं वो जीन सीन अवस्था में हैं। एंड इनलाइटेड, और वहाँ पर जो प्रकाश है बहुत ही धीमा है। दी वाटर सप्लाई इज डिफेक्टिव, जो पानी की सप्लाई है वो भी ख़राब है। देर आर बैगर्स, वहाँ पर भिखारी हैं। एंड दी हिल रेंज डोमिनेट दी प्रोस्पेक्ट, और इस पूरे परिदृश्य में जो हिल रेंज है, पहाड़ी जो श्रृंखला है उसका आधिपत्य है, अर्थात पहाड़ी पहाड़ है, जिधर देखो उधर पहाड़ी पहाड़ है। देर इज मच स्टरिंग ऑफ द पीविस गटर ऑफ द जस्ट बिलो द सरफेस कॉन्सेंस, एंड वन रिसीव्स नो लाइट, नो एक्सिलरेटिंग सरप्राइज और सरमाइज। और कभी खुद कहता है कि देर इज मच स्टरिंग ऑफ द पीविस गटर, कि वहां पर क्या हलचल है। स्टरिंग माने हलचल, ऑफ द पीविस गटर किसका, निचले जो क्षेत्र गटर है, ऑफ द जस्ट बिलो द सरफेस जो धरातल के नीचे, कॉन्शियसनेस उसकी चेतना। एंड वन रिसीव्स नो लाइट, और वहाँ ना प्रकाश है, मतलब कहने का तो होता है ऊपरी लाइन में, मतलब जिधर देखो उदासीनता वाला है, कोई अच्छा सीन नहीं। एंड वन रिसीव्स नो लाइट, वहाँ ना किसी को प्रकाश प्राप्त होता है, नो एक्सिलेटिंग सरप्राइज आनंद प्रदान करने वाला आश्चर्य, और सरमाइज अनुमान कोई प्रकार नहीं होता है। इट इज ऑल सेकुलर, वहाँ पर क्या है धर्म, सेकुलर माने क्या होता है, धर्म निरपेक्षता। एंड स्यूडो क्लिनिकल और छद्म निदान। एंड द सीक्वेंस, और ये जो श्रृंखला है, इज नो मच ए पीन ऑफ डिस्कवरी, वो क्या नहीं है कि आराम प्रदान करने वाली खोज नहीं है। एज द प्रोवर्बियल ट्रेन इंस्पेक्टर पोएटिक रिपोर्टर्स, क्या माना जाता है कि ये केवल ऐसा माना जाता है कि जो दक्ष जो ड्रेन इंस्पेक्टर है, नाली बनाने वाला जो इंस्पेक्टर है, उसकी मानो काव्यात्मक क्या हो, रिपोर्टाज हो। एंड येट कोलात्कर हैज ए रियल मिजरी, सॉरी मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, फिर भी कोलात्कर जो है वो अपनी भाषा पर मास्टरी रखे हुए हैं, प्रधानता रखे हुए हैं। एंड देर इज द स्टिर ऑफ एन ईजी लाइफ, और यहाँ पर हलचल है किसके बारे में, उनके ऐसा मान्य जीवन के बारे में, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि वो खुश तो है ही नहीं, वो पूरी यात्रा में परेशान ही महसूस कर रहा है, और वो बता रहा है कि उसका जीवन यहाँ पर अनइजी है। इन मैनी ऑफ दी पीसेज की अधिकतर उनकी जो कविताएं हैं उनमें वो बताता है कि उसका जो जीवन है वो कैसा है, अनइजी है। एज एन एक्सरसाइज इन कोल्ड ब्लडेड रिलीजम, और क्या एक अनुभव है किसका, उदासीनता वाले वास्तविकता का। एंड दी डिवंकिंग ऑफ दी प्लेस ऑफ पिलग्रिम, और जो ये पिलग्रिम वाले जो क्षेत्र हैं इनके बारे में अस्था का, डिवंकिंग माने अस्था। दी सीक्वेंस हैज परहैप्स ए प्राइस टेक ऑफ इट्स ओन, और ये माना जाता है कि जो अश्रद्धा का भाव है कि वो उसको प्राइस टेक ऑफ इट्स ओन, कि उसको इस भाग से मतलब अलग रखता है। दी सीक्वेंस, जो ये भाव है, हैज ए प्राइस टेक ऑफ इट्स ओन, मतलब एक प्रकार का अलग ही भाव रखता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आई होप आपको इस वीडियो में अरुण कोलात्कर के बारे में पता लगा, और हमें पता लगा कि जेजुरी जो है वो क्या है, एक पिलग्रिम सेंटर है जो साउथ ईस्ट पुणे में स्थित है, जहाँ पर खंडोबा देवी की पूजा की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।